हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। दोपहर बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। कल आए थे दिल्ली में और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी उनकी इस मीटिंग में मौजूद थे। आज सीएम के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम की मुलाकात जो है वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है। तो आज सीएम दोपहर बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चार लोगों के नाम की सूची उनको दिखाई गई है, चार लोगों के नाम का पैनल, और बहुत जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि आज कल में बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं। दोपहर बाद सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ वापस लौटेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मी तेज, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। वहीं आप सीएम पहुंचे हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई थी कल, और अब देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मुकेश, आज सीएम के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है, क्या खास जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? देखिए बिल्कुल नंदिनी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का, और ऐसे में आज कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो उम्मीदवार हैं उसको उसकी घोषणा कर सकती है। जो केंद्रीय आला हाईकमान है वो लिस्ट जारी कर सकते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। लेकिन खास बात यही है कि लगातार जो बड़ौदा से जुड़े लोग हैं, या बड़ौदा की बात करें विधानसभा की, तो जो टिकट की चाहे लोग हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से मिलने आ ही रहे हैं। कल भी आपने देखा भूपेंद्र मल्लिक आए थे। खबर ये भी आ रही है कि योगेश्वर दत्त भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है दोपहर तक मुख्यमंत्री यहीं पे हैं, उसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे। लेकिन इसी बीच हो सकता है कि आज फिर से उनकी जो मुलाकात है केंद्रीय आला हाईकमान से हो, केंद्रीय नेताओं से हो। जी बिल्कुल मुकेश, तो आज फिर दोपहर बाद सीएम चंडीगढ़ के लिए वापस रवाना होंगे। अब इसी बीच मान लिया जाए मुकेश कि आज कल में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। देखिए बिल्कुल, कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में एक दिन का समय रह गया, यानी आज पूरे दिन का समय रह गया है बीजेपी के पास चाहे कांग्रेस के पास, टिकट की घोषणा कर दे। हालांकि कल देर रात जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, जब उन्होंने अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तो उस दौरान उन्होंने एक लिस्ट उनको सौंपी थी कैंडिडेट के नामों की। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये है, चार नाम थे उसमें और जिसको लेकर लिस्ट सौंपी गई है केंद्रीय आला हाईकमान को। और केंद्रीय आला हाईकमान किसी भी वक्त, आज किसी भी वक्त वो जो लिस्ट है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, जो कैंडिडेट कौन सा होगा गठबंधन में, उसको लेकर वो लिस्ट जारी कर सकते हैं। जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी आज जो है वो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है और कल 16 तारीख